हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसानी से बनेगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देखिए इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बैंगन का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक भरते वाला बैंगन लिया है। देखिए यह इस तरह से बड़े साइज में आता है। अब बैंगन पर हम ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे हम गैस पर भूनेंगे। देखिए मैंने इस तरह की जाली रखी हुई है, उस पर मैं बैंगन भून रही हूँ। यह जाली आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, उस पर बैंगन भूनना इजी होता है और आप इसे बिना जाली के भी भून सकते हैं यदि आपके पास नहीं हो तो। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और इसे हमें चारों तरफ से पलटते हुए भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि यह अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसकी स्किन अलग से निकलने नहीं लगे। आपको भूनते भूनते ही समझ में आ जाएगा कि यह भूनने लगा है, इसकी स्किन अलग से दिखने लगेगी आपको और यह अंदर से हल्का ब्राउन कलर का होने लगेगा। इसमें आप पहले से कट लगाकर भी इसे भून सकते हैं, लेकिन इसे मैं केवल ऑयल लगाकर इसे भूनूंगी। कट लगाने से यह पहले पानी छोड़ने लगता है जिससे भूनने में हमें परेशानी होती है, इसीलिए यह सबसे ईजी प्रोसेस है। ये देखिए बैंगन हमारा बढ़िया से भून गया है, इसमें से स्किन अलग से निकलने लगी है। अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि इसकी स्किन हम निकाल सके। ये देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसकी हम इजीली स्किन निकाल लेंगे। और इसके पीछे के पार्ट को मैं काट कर अलग कर लूंगी। बहुत सारे इसे भरते में डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसे पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसे अलग कर रही हूँ। अब इसे हम एक फोक की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से हमने इसे मैश कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। देसी घी में हमारा बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के फ्राई हो गए हैं, अब इसके अंदर हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाती है, इसीलिए हम इसमें 1/2 प्याज फ्राई होने के बाद इसे डाल रहे हैं। प्याज और मिर्च हमारी बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं, अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है, अब इसके अंदर हम 1 बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गाजर फ्राई हो गई है, अब इसके अंदर हम 1/2 कटोरी हरी मटर डालेंगे जो कि एकदम फ्रेश है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि वह सॉफ्ट नहीं हो जाती। अभी मटर का सीज़न चल रहा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे ना डालें।
अब इसके अंदर हम एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये वेजीज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो गई है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से और सॉटे कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इन मसालों को भूनेंगे। यहाँ आप नमक मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम मैश्ड बैंगन को डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और वेजिटेबल्स सारी भरते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। भरते को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे भरते का टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। अब लास्ट में इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भरते में मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला टोटली ऑप्शनल है, मुझे यह भरते में पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बैंगन का भरता हमारा बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए बैंगन का भरता हमारा कितना डिलीशियस लग रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत पसंद आएगी। हमारा यम्मी एंड डिलीशियस बैंगन का भरता बनकर तैयार है। इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप इसे चपाती पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं, यह सभी के साथ अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।